हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। ये आपकी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी जारी की गई है। 10वीं और 12वीं के कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल जो आपकी पोस्ट जारी की गई है 9720 इसमें टोटल पोस्ट जारी की गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करेंगे इस फॉर्म से संबंधित, और आप लोग ये फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, यदि पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम। ये भर्ती जो जारी की गई है वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल डिपार्टमेंट के द्वारा, ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है। इसमें जो आपको पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया, सब इंस्पेक्टर लेडी, सब इंस्पेक्टर आर्म ब्रांच और कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल, यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसियाँ जारी की गई हैं जिसमें टोटल पोस्ट जो जारी किया गया 9720 पोस्ट जारी की गई हैं। पोस्ट डिटेल्स के बारे में हम बात करें, यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के लिए जो पोस्ट जारी की गई है 7440 पोस्ट मिल जाएगा, लेडी कांस्टेबल के लिए 1192 पोस्ट जारी किया गया है और सब इंस्पेक्टर यानी कि SI में आपको 1088 पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ये वैकेंसी जो आपकी अप्लाई होगी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगी, सभी कैंडिडेट ऑनलाइन के माध्यम से 22 जनवरी 2021 से ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लिंक जो है आपका 12 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा, 22 फरवरी 2021 तक आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट इस आवेदन को अप्लाई करना चाहेंगे, कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए जो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फी है वो 170 रुपीज है और SC ST के लिए 20 रुपीज आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर के लिए यदि हम बात करें तो इसमें आपको ऑल अदर कैंडिडेट के लिए जो फी पेमेंट करना पड़ेगा 270 रुपीज़ फी पेमेंट करना है और SC ST के लिए 20 रुपीज़ फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करें 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इसके समकक्ष में माध्यमिक एग्जामिनेशन बोर्ड, ये आपकी वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए, जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, आपके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके समकक्ष के द्वारा, ये आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड गाइस, जो भी कैंडिडेट ये आवेदन अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे जो लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, बंगाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बोलना पढ़ना लिखना ये आपको तीनों आने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ओके, इसमें जो आपकी एज मांगी गई है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। यहाँ पे आपकी पहले एज काउंट होगी 1 जनवरी 2021 से। कांस्टेबल के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनका यहाँ पे जो एज मांगा गया है, कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष के कैंडिडेट इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के लिए तो आपके पास 20 से 27 वर्ष की यहाँ पे एज मांगी गई है। एंड गाइस, इस फॉर्म को आप सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा। हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में हो सकते हैं शामिल। यहाँ पे सैलरी जो है वो बहुत ही बेस्ट सैलरी है, वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, सब लेडी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इसके लिए आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलेगा 32,100 रुपीज़ से 82,900 रुपीज़ प्रत्येक महीने की मिलेगी सैलरी और इसमें 10वां लेवल जो है वो लागू की गई है। ओके, उसी प्रकार गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के लिए, इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा 22,700 से 58,500 रुपीज़ प्रत्येक महीने की मिलेगी सैलरी, जो कि बहुत ही बेस्ट सैलरी है। आपकी यहाँ पे जो जॉब लोकेशन गाइस रहेगी वेस्ट बंगाल रहेगी, यदि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको वेस्ट बंगाल में ये जॉब करनी पड़ेगी। ओके, चलिए गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं फिजिकल डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आपकी हाइट क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट का जो कांस्टेबल के लिए हाइट मांगी गई है, सबसे पहले ऑल कैटेगरी के लिए हाइट मांगी गई है 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, आपकी वजन 57 किलो ये आपकी वजन मांगी गई है। और यहाँ पे सीना की बात करें तो यहाँ पे 78 सेंटीमीटर आपकी विदाउट एक्सपेंशन यानी कि फुलाव के साथ आपका यहाँ पे सीना लिया जाएगा।
फुलाव के साथ जो आपका सीना लिया जाएगा 83 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव यहाँ पे सीना जो है वो लिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें गोरखा के लिए तो इसमें जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। इसमें जो आपकी वजन मांगी गई है 53 किलो वजन मांगी गई है। आपकी चेस्ट 76 है बिना फुलाव के, और फुलाव के साथ जो यहाँ पे चेस्ट आपकी मांगी गई है 81 सेंटीमीटर। ओके चलिए गाइस यहाँ पे हम लेडी कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, इसमें आपकी हाइट और वजन क्या मांगी गई हैं। आल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और वजन यहाँ पे जो मांगी गई है 49 किलो आपका वजन होनी चाहिए। और यहाँ पे चेस्ट के बारे में महिला के लिए नॉट एप्लीकेबल है यानी कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं की गई है। और गोरखा के लिए अगर हम बात करें हाइट के बारे में 152 सेंटीमीटर ये फीमेल के लिए बताई गई है, 45 किलो आपका यहाँ पे वजन लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम रनिंग के बारे में दोस्तों डिटेल्स बात करते हैं। कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पे रनिंग मांगी गई है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, कंप्लीट करना है 6 मिनट 30 सेकंड में ये रनिंग आपको कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रकार लेडी कांस्टेबल के लिए जो रनिंग होगा 800 मीटर आपको रनिंग करना है, 4 मिनट में ये रनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जो आपकी फिजिकल क्या मांगी गई है, यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि सीबीटी टेस्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी फिजिकल इफिशियंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका होगा सिलेक्शन। इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं, यहाँ पे आपकी फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोमेसिल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ आपको कोई भी देना है, और उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस डिटेल्स देने के बाद इस भर्ती को अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके हमारे पेज पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप नोटिफिकेशन को चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे शो होगी, जितनी भी नई प्रकार की रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपलोड होती है वो यहाँ पे आपको न्यू करके शो होगा। अगर आप लोग को सारी डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ गेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अभी जो लिंक है गाइस फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी एक्टिवेट नहीं है, आपको ये लिंक 12 बजे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा, कब से अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई होगा, कौन कौन सी पोस्ट जारी की गई है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने की डिटेल्स और नोटिफिकेशन डिटेल्स ये सब आपको मिल जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, और आप अप्लाई कर लेंगे। वैसे गाइस लिंक जैसे ही एक्टिवेट होता है इस पर मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूंगा कि आप लोग ये फॉर्म कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 9720 कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जारी की गई है जो कि बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है, आप लोग जरूर इसमें आवेदन करिएगा। यदि आप लोग को कोई सवाल पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड गाइस हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।